सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आफरीन खान। अक्सर कहा जाता है कि सब्र और मेहनत का फल मीठा होता है। ये कहावत सच हुई राहुल तेवटिया के लिए। राहुल तेवटिया का जन्म 20 मई 1993 को फरीदाबाद में हुआ था। 4 साल की उम्र से ही उनकी क्रिकेट में दिलचस्पी दिखने लगी। उनके पिता कृष्णपाल जी ने उन्हें बल्लभगढ़ के क्रिकेट इंस्टीट्यूट में भर्ती किया। फिर कुछ वक्त बाद उन्होंने विजय यादव की क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन की, जहाँ उन्हें अलग अलग लेवल्स पर खेलने की अपॉर्चुनिटीज मिली। एक लेग स्पिनर के तौर पर 2013 के रणजी ट्रॉफी में हरियाणा कर्नाटका के सामने उन्होंने अपना डेब्यू किया। राहुल ने 2013 से अब तक सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैचेस और 21 लिस्ट ए गेम्स खेले हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि उन्हें अपना टैलेंट दिखाने के लिए ज्यादा मौके नहीं मिले। 2014 IPL में 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के साथ उन्हें राजस्थान रॉयल्स टीम ने साइन किया। 2017 में किंग्स इलेवन पंजाब ने उन्हें 25 लाख में अपने स्क्वाड में शामिल किया। IPL में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए डेब्यू मैच में उन्होंने 8 बॉल्स में 15 रन बनाए और बोलिंग में 2 विकेट्स लिए, जिसमें से 1 विकेट गौतम गंभीर का था। 2018 के IPL ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स टीम ने उन्हें 3 करोड़ की बड़ी रकम में खरीदा। उन्होंने अगले 2 सीजन इसी टीम के साथ बिताए। सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो में दिखा कि राहुल कोच रिकी पोंटिंग से भिड़ गए थे, जब रिकी पोंटिंग ने राहुल का नाम मेंशन नहीं किया था मैच के बाद की मीटिंग में। उस मैच में राहुल ने अच्छी फील्डिंग की थी और कैचेस भी पकड़े थे। 2019 के ऑक्शन में किस्मत उन्हें दोबारा ले आई राजस्थान, जिस टीम से उन्होंने IPL डेब्यू किया था। इस बार राजस्थान रॉयल्स को उनसे बड़ी उम्मीदें थी और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो इन उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। राहुल इस IPL में एक ऑलराउंडर की तरह उभरे हैं। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ जब वो क्रीज पे आए, वो बैटिंग में बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसी स्ट्रगल के सोशल मीडिया ने मुहिम चला दी थी कि बैट्समैन को रिटायर करने का रूल आना चाहिए। कुछ ही देर में राहुल के मीम्स वायरल होने लगे उनकी बैटिंग का मजाक उड़ते हुए। अब नाम फिल्मी है तो थोड़ा फिल्मी ट्विस्ट तो आना बनता ही है। शेल्डन कॉटरेल के एक ओवर में उन्होंने 5 छक्के जड़े और उसी ओवर की बदौलत उनकी टीम की वापसी हुई उस गेम में और वो बन गए मैच के हीरो। वैसे एक बात बता दूं, IPL में उन्होंने क्रिस गेल की बराबरी करी है एक ओवर में सबसे ज़्यादा छक्के मारने की। जो सोशल मीडिया कुछ देर पहले उनका मजाक बना रही थी, अब वही उनकी प्रशंसा में लग गई। यहाँ तक कि युवराज सिंह ने भी ट्वीट करके उन्हें मजाक में थैंक यू बोला कि उन्होंने 6 छक्के नहीं मारे। हम सबको युवराज के 6 छक्के बनाम इंग्लैंड तो याद ही हैं। राहुल तेवटिया विराट कोहली के फ़ैन हैं। RCB के खिलाफ मैच के बाद बतौर फ़ैन उन्होंने विराट से जर्सी मांग ली। विराट ने भी उन्हें निराश नहीं किया, अपनी साइन करी हुई जर्सी राहुल को दे दी। राहुल का अगला टारगेट है इंडियन क्रिकेट टीम में जगह। हम उम्मीद करेंगे कि वो अपना टारगेट पूरा जरूर करें। राहुल की कहानी से ये सीखने मिलता है कि चाहे कोई आप पर भरोसा करे या ना करे, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। राहुल की कौन सी IPL पारी आपको सबसे अच्छी लगी, वो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई राइजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।